अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन सुखिन सभी संतु निरामया सभी भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेविर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषा हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की पर जहां तो बड़ी प्रिय रही है बहुत ही गजब की है। ऐसी बात तो भगवान ने नामे धैर्य भी कह चुके हैं। महाराज जी ने कहा बशर पाप से पेट के पेट से हो कोई वो हो वैश या शूद्र या स्त्री मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजर को जाएगा वो। उधर भी कर्म योग में कही कोई आदमी गच्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है उसे भी समझ ले के साधु है वो इरादे में नेकी के जक्षु है वो। उधर भी भगवान ने बात कही नामे धैर्य के अंदर। इधर आप चौथे अध्याय में नामे धैर्य में बड़ा गजब भा दिया कमाल का दे नामे धैर्य के अंदर वहां तक कहा उसे भी समझ ले के साधु है वो इरादा मैंने की जब सू है वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा करार सकू दान ही पाएगा। इधर आप चौथे अध्याय में कह रहे हैं जो पापी है या तो गुनाहगार है यह प्रसंग चला हुआ जिस पर हमने गहराई में उतरना है। अपिचित असि पापे भा सर्वे भा पाप कृतमा सर्व सर्वम ज्ञान पलवेनेव ऋद्धिनम संतरिष्यसि हरिओम तत् हरिओम तत् सत् हरिओम तत् सत्। आपको जबानी याद है कि उर्दू में फासक बोलती है हमने फासक को कटा कर पापी लिख दिया हिंदी में। फासक का मतलब ये होता है बहुत दुराचारी बहुत गंदा इंसान हमने साधारण लिख दिया जो पापी है या तू गुनागार है गुनागार बंदों का सरदार है तो फिर ज्ञान नहीं आते हो जा सवार गुनाहों के सागर से कर देगी पार। इस श्लोक में मेरी माता बेटियों बच्चों बुजुर्गों बहुत इशारे हैं एक नहीं अनेक इशारे हमें इसमें मिलते हैं। जैसे गौर फरमाइएगा इसमें मैं तीन चार इशारे बताऊंगा। पापी हमेशा पापी नहीं रहेगा मैं जरा भावार्थ बता रहा हूँ फिर व्याख्या करते जाऊंगा। पापी हमेशा पापी नहीं रहेगा दुराचारी हमेशा दुराचारी रहेगा क्योंकि हमारा इतिहास साक्षी है। बड़ी भारी ये घटना घटी है हिंदुस्तान के अंदर खूनी से मुनि कौन रत्नाकर से वाल्मीकि बड़ा चोटी का दृष्टांत है ये। और उधर स्त्रियों में चिंतामणि से योगन इतना योग कमा दिया चिंतामणि वेश्या मशहूर वेश्या थी और जब चोट लगी और माँ कुछ की संगत में आई इतनी चोटी की जो है संगत में पहुंची और भगवान के दर्शनों के काबिल हो गई शाबाश बड़े गजब का दृष्टांत है बड़े कमाल का दृष्टांत है जो हमारे सामने आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीव का समय आएगा कि वो तरक्की कर जाएगा। इसलिए आजकल गवर्नमेंट ने जेलों के बाहर लिखवा दिया है सेंट्रल जेल के बाहर आपको लिखेंगे हेट द सिन एंड नॉट द सिनर अर्थात क्या पाप से नफरत करो पापी से नहीं। इसमें बड़ी फिलॉसफी छिपी पड़ी है पाप से नफरत करो पर पापी से नहीं। पापी का मतलब क्या जो उसके अंदर पाप छुपे हुए हैं ध्यान दीजिए पापी का मतलब हाथ पैर मुंह आंख कान ये अंग तो हमारे भी है उसके भी है उसके अंतःकरण में जो बैड क्वालिटीज है उसके अंतःकरण में जो नकारात्मक वृत्तियां हैं जिसके कारण से वो जेल की मोटी मोटी सलाखों के अंदर बैठा हुआ अपनी करनी पे रो रहा है या पश्चाताप कर रहा वो तो पाप से नफरत करो पापी से नहीं। क्योंकि आज का पापी कल का प्रतापी पाप और प्रताप में देखी आज का पापी और कल का प्रतापी कल का वो भगवान का पुजारी बन जाता है तो जो उसके अंदर पाप है वो हम भी गोता ना रहे कि मैं जो इस पे नफरत कर रहा हूं इस पे जो गंदी गंदी बिट्टियां क्या वो मेरे में है मैं फौरन निकालू फौरन मैं हटा दू
तो पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। निरचार में कमाल का है, बहुत गजब का है। तो जो आज गिरा हुआ है वो कभी न कभी उठेगा, दूर न जाइए। हम अपना हाल ले लें, पहले हम बालमुखी थे, भगवान की कृपा हो गई, अब अंतर्मुखी हो रहे हैं। पहले जरा आप अपना हाल देख लो बच्चे, मरना सवरना इधर उधर जाना, अब भगवान की कृपा से आपको भाव रोग की राम बाल दवा प्रभु कृपा से मिल रही है। भगवान ने मेरे कर दी, सत्संग मिल गया, जिससे कि आप अपनी जिंदगी बनाते जा रहे हैं, अपने आप को संवारते जा रहे हैं। तो उनको भी, उनका भी सत्संग होगा, कभी उनको भी भगवान देंगे, उनके ख्यालात विचार जज्बात जरूर बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। किसी को श्रद्धा आएगी, ये बात कही जाते होगा ही ना, समय की बात है, जरूर उनको भगवान अवसर देंगे। अभी उनके संस्कार गंदगी, अभी उनको गंदा बाल ले लो। इस श्लोक ने मुझे बड़ा हैरान किया, भगवान ने जो मेरे और आप जैसे को रोका कि वो मूर्ख है और अकल में काम कार न दुधा में डाले उन्हें होशिया। भगवान कहते हैं वो रजोगुणी है, उनमें रजोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा। अभी हमें और आप उनको डिस्टर्ब ना करें, वो के इंसान अच्छा बनेगा। अभी उनका टाइम ही नहीं, अगर मैं और आपने कुछ कहा भी चाहिए तो वो हमारी बक समझेंगे कि क्या बकवास करता है ये। तो अभी चुप रहे, जब उनका अपना समय आ जाएगा वो खुद अच्छे बनेंगे। अगर मैं कहीं आप पिछले गली में भाषण किया करता तो शायद आप कहते क्या सिर खाने आ गया है, क्या बकवास कर रहा है। जब आपका अपना समय आ गया है, वक्त अच्छा आ गया, तो इतना दूर बैठे हुए साधु को भी आप नजदीक नहीं दूर नहीं समझते, और नजदीक बैठे हुए किसी पड़ोसी को जिनके साथ राम राम भी नहीं है आप दूर समझते। ये तो हमारे भावना की बात, हमारे विचारों की बात, हमारे स्वभाव की बात। कितनी दूर से आप आ रही है कैंट से, कैंट ये जंगल कितना दूर है, 6-7 मील 8 मील का फासला है, वो आपसे दूर नहीं है, क्योंकि वक्त आ चुका है। मोहब्बत में या प्रेम में न देरी है न दूरी है, या प्रेम होता है मोहब्बत होती है, न देरी न दूरी, ये पहचान है मोहब्बत की। जो न देरी देखे न दूरी देखे, समझिए उसके मन में बहुत बड़ा प्रेम है, चाहे वो शारीरिक प्रेम हो और चाहे भगवान के पास से प्रभु के प्रति भक्तिभाव हो जाए। तो जीव न देरी देखता है न दूरी देखता है, बल्कि अपने कल्याण करने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी या बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब इसे एक इशारा मिला, पापी हमेशा पापी नहीं जाएगा। हाँ, इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके लिए अपने हिंदुस्तान कहता है क्या क्या, बुरे से या दूरी, बुरे का इलाज, बुरे आदमी से हमने दूर रहना है। ये जरा ध्यान देना, बुरे आदमियों के हमने निकट में जाना, उनसे दूर रहना है, बस ये हमें कहा गया। उनसे दूर रहेंगे भी क्योंकि आपकी अपनी परिपक्व अवस्था नहीं है, अभी आपकी अपनी स्टेज जो है कच्ची है, हो सकता है उनका प्रभाव पड़ जाए, वरना पक्की अवस्था में गुसाई जी ने कह दिया है विधिवत सजन कुसंगति पारही, विधिवत सजन कुसंगति पारही, फनी मनी सामने के गुण अनुसार ही। अगर बदकिस्मृति के कारण से या कोई ऐसे पूर्व के कर्म ऐसे जाग जाए कि भगवान के प्यारे को गुरु की संगत में रहना पड़ जाए, तो वो उनकी बुराई नहीं लेगा, अपनी भलाई का छाया उन पर डालता जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि नाग के अंदर, नाग अर्थात जो होता है आपका कोबरा अर्थात छली वाला, बहुत जहरीला वैशैला सांप, उसके अंदर मनी रहती है, तो वो फरमाती है कि मनी के नजदीक यह है जहर का चबाड़ा, सांप के जहर का चबाड़ा भी वही है और गले में मनी है, बिल्कुल। तो मनी अपनी रोशनी देती है, जहर को नहीं देती। इसलिए महापुरुष अगर गुरु की संगत में कहीं मजबूर होकर रहने भी लग जाए या मजबूरी ऐसी आ जाए तो अपने गुरु का प्रभाव डालेंगे, उनके अवगुणों को नहीं लेंगे। लेकिन यह अवस्था है परिपक्व अवस्था, परफेक्ट स्टेज में, यह सिद्ध अवस्था है। लेकिन जब आप पक्की हो जाए, समय का प्रभाव आप पे ना पड़े, दुराचारियों का प्रभाव आप पे ना पड़े, आप इतने दृढ़ हो जाए। लेकिन जब आप जैसे अभी आपकी अवस्था साधना की है, तो आपके लिए फिर कहा गया बुरी से या दूरी, बुरे का इलाज, आप उनसे दूर रहिएगा, बहुत अच्छे, आप उनके नजदीक में जाइएगा, शाबाश, आप उनसे दूर रहिएगा। उनके लिए कहा गया कि बेशक मनमानियां करें, भगवान के बनाए हुए कानून को तोड़े, पर जब पत्थर ना लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकर खाए बाजार में, जो नेकी उगाए तो राहत भी जाए। देखिए जरा उनके लिए क्या कहा गया, अगर वो नेक नहीं बन रहे, बद बन रहे, और नेकी को जो है बला ताक रख रहे हैं, तो कितना अच्छा अनुभव। महापुरुष कहते हैं मेरी माता बेटी बुजुर्ग और भाइयों, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, तो उनको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि नेकी से, अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से ही शांति मिलनी, आराम मिलना है। ये बात बिठाइए, अच्छे इरादे से, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, अच्छी सोबत से ही हमें चैन मिलना है। अच्छा इरादा, मेरी फिर सुन लो, अच्छा इरादा,
अच्छे विचार, अच्छे कर्म, इनका रिएक्शन सुख होता है। ध्यान सुनो मेरी बच्ची, मन में लिख लो, अच्छा इरादा बुद्धि से, अच्छे विचार मन से और तन से अच्छे कर्म, तीन ही उपकरण या इक्विपमेंट भगवान ने दिए ना, बुद्धि मन और तन। बुद्धि में अच्छे इरादे हूँ, मन में अच्छे विचार हूँ, तन द्वारा मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? सुख, शांति, आराम, चैन, मुसर्रत। अब इसको बुरी इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म, अवस्थाएं उम्मीदें, अवस्थाएं मल, अवस्था इल्म उनका समझ में खजर, इसका परिणाम क्या होगा? दुख, तकलीफ, चिंता और ऐसे रोग जिनका इलाज कोई नहीं, असाध्य रोग बोलते बच्चे, उनको ऐसे रोग लगेंगे जिनका कोई इलाज नहीं होगा, चुड़ 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 के मरेंगे, जिसको आप अंग्रेजी बोलती है डाइंग बाई इंचिस, डाइंग बाई इंचिस, इंच इंच करके वो मरते हैं, सूत्रा करके अपने आप को बर्बाद और खराब करते हैं, ऐसे गंदे और बहुदा जीव। तो भगवान उनको सजा देती है, भगवान ने तो खुराक के बारे में भी कहा है, कैसे जो गंदी गंदे व्यक्ति गंदी खुराक खाती है उनको हो तन का रोग, उन्हें रंज हो, दुख हो या तन का रोग। आपने मेरे साथ पाठ किया था भगवान जी के स्थान में भय में, जो तीन प्रकार खुराक बताइए, असतगुणी खुराक के बारे में कहा सुख शांति आराम, रजोगुणी खुराक के बारे में दुख तकलीफ चिंता बेचैनी बेकरारी मिलती है। तो ऐसों को पता ही नहीं है कि जब तक मैं नेक नहीं बनूंगा मुझे सुख मिलना ही नहीं, अगर मैं बात बनी रहूंगी या बना रहूंगा तो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया या उसके हृदय अमल के कारण से मैं दुख पाऊंगा। काश ये बात हिंदुस्तान के रहने वाले जान जाए, और मेरे जाता इतनी कृपा हमारे पर हो, हम धर्म भूमि भारत में रहती है, ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि जब तक मैं नेक नहीं बनूंगा तब तक मैं कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, जब तक मैं नेक नहीं बन सकती मुझे आराम नहीं, एक मोटी बात कह रहा था, जब तक कोई भी नेक नहीं बनेगा आराम नहीं मिलेगा। किसी भाई को इतराज हो मेरी सवाल में लगा दर्द, जब तक कोई भी नर नारी नेक नहीं बनते हाँ आराम नहीं पा सकते, हाँ धन पालेंगे, बीवी पालेंगे, बच्चे पालेंगे, मकान पालेंगे, क्या हो सकता है इज्जत भी पालेंगे और इतनी चीजें उनके पास हो जाए, संसार का पहला फमेलिया या संसारिक सामग्री उनका सब प्रकार की हो जाए, लेकिन मानसिक शांति मिल सकती। ये मैंने आपको कई बार कहा है, शांति भगवान की मनोपली है और भगवान नेकी मुजस्सम है, भगवान गुण के घर है, भगवान ने खुद कहा है भूला नहीं, गलत जानदारों में जो है प्रपात है उन सबका मंबा मेरी बाकी अर्जुन जाओ, आपको नाना प्रकार के अच्छे गुण नजर आते हैं, हाँ वो गुण उनमें नहीं होते, आप कहें कि मेरे में ये गुण है ना, तो ये गुण आप में नहीं है, भगवान ने आपको अधिकार नहीं समझ के गुण आपको दिए है। ध्यान देना, ओ मेरे अच्छे बुजुर्ग मेरे बेटे, अगर आपकी कोई क्वालिटी है गुड क्वालिटी, यू फील ये मेरे में गुड क्वालिटी है, ये गुड क्वालिटी आपकी नहीं है, भगवान ने आपको अधिकारी समझ के आपको दिया, हर एक की थोड़ी गुड क्वालिटी आ गई, सिर्फ आप में क्यों है, इसका जवाब सिवाय इसकी कोई दे सकते आप, आप में जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ गई है हाँ वो आप में आ गई है, बाकी आदमी में क्यों नहीं आए, भगवान ने आपको अधिकारी समझा है, आपको डिजर्विंग, आपको मुस्तहिक समझा है, तभी आपको हर एक सिस्टम में आ जाता, इतना ही राज इस वक्त सिनेमा हॉल में भी होगा, इतना ही राज इस वक्त अमाला के पार्क में भी होगा, शायद इससे भी ज्यादा कई राज क्लबों में होगा, छुट्टी का दिन है आज है कल है परसों छुट्टी है तो क्लबों में भी इतना राज हो सकता है, लेकिन सारे गुरुजा आ जाते नहीं, अभी ने भी उनके संस्कार नहीं है, अभी वो गुण उनमें नहीं आ सकते, ये गुण आप में है, ऐसे यूं कहा जाता है, वैसे सूर्य के बराबर चमकता है पर शीशे में ज्यादा क्यों नजर आता है, और श्री ओम प्रकाश दूसरा जी एक लकड़ी में का सूर्य नहीं पड़ रहा है तो इसमें इतनी चमक क्यों नहीं आती, एक शीशे में तो ज्यादा चमक आती है, क्योंकि शीशा साफ सुथरा है, सूर्य तो बराबर चमकता है, क्योंकि जो चीज साफ सुथरी है उसमें ज्यादा नजर आएगा, जो चीज अभी साफ सुथरी नहीं है उसमें चमक तो रहा है सूरज पर पूरा नहीं नजर आता, चमक रहा है सही उसमें, इस तरह जो नेक जीव है उनके अंतःकरण निर्मल है वो हमें स्पष्ट नजर आते हैं, जो बद इंसान है अभी वो अंतःकरण में विकार और संस्कार लिए हुए हैं, इसी में उनमें भगवान की कृपा पूरी नहीं नजर आती, इसलिए वो दुख पाती है, वरना भगवान को स्पष्ट कह गई है, अगर कोई भगवान के लिए बकवास करता है ना तो भगवान ने एक जवाब दे दिया है गीता जी के अंदर, हर प्रकार के सवाल का जवाब भगवान ने आपको गीता में दिया, भगवान तो पक्षपाती है जी, अगर आप भगवान के लिए सारे प्यारे थे तो भगवान ने हर एक को नेक क्यों नहीं बनाया, और रब तू ही को नहीं क्यों नहीं करता, क्यों तू कहीं कहा कुत्ते रोटी रोटी जो आप खाती है कहीं रोटी भी तरसते रहती है, तो भगवान कहते पुत्र सबकी बात बताओ मुझे,
आप प्रवृत्त हुआ करके जो आयकर आपसे कहें जो आयकर मेरी बार उठी बेटियां हैं जो उनके मन में आता है बर्बाद करके अपनी जबान को अपने कंठ को और अपने अंतर कंठ को काले तो पहले ही है और वो काले करते थे काला और भी काले यानी किसी ने सुरमा पहना हुआ हो तो कालक और लगाने के लिए फिर एक काली चीज और भी होती है अनिशिया बोलते हैं काजल काजल पहले वो काले तो पहले ही है ऐसा बोलते अपने आप को और काजल की तरह कालक और बढ़ाते जा रहे हैं आई का जवाब देती है भगवान भगवान के पुत्र मैं मानता हूं मेरे वास्ते खर्च ये श्लोक सब रख उनका घर पूरा करता है मेरे वास्ते खर्च ये समझता मैं इसलिए मोहब्बत ना होती भगवान कहते ना मेरा किसी विशेष राग है ना मेरा किसी विशेष द्वेष है मगर वो जो पूजे वास्तव को यकीन वो उजमी और मैं हूं उनमें मर्जी क्या कारण है कि आपके दो बेटे हैं एक जेल में है और एक बना हुआ इंजीनियर और इतने उसके अंडर काम करती है और साफ जी हो रही है और कार उसको भगवान ने दे रखी है तो क्या बात मैं क्या करूं एक मैं क्या करूं मां जिनेंदी सब पुत्र कर्म देंदी वंड देखी ना मां जिनेंदी सब पुत्र पर कर्म देंदी वंड भाग तो अपने अपने हैं एक बाप के दो बेटे किस्मत बात यहां आ गई एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा है एक बैठा राजगद्दी एक दर दर का गदा एक राजगद्दी पर है दर का गदा है अपना अपना मुकद्दर या अपने अपने भागों की बात है कि जी जलील और खराब और बर्बाद होता है इसमें माँ बाप का अगर माँ बाप का हाथ होता कभी माँ जन्मदाता की जगह विधाता भी होती फिर तो कहने क्या विधाता आप नहीं ना विधाता उनके अपने कर्म है हर एक के अपने अपने भगवान ने ऐसा नियम बनाया है सभी पदार्थ है जग माही बाघहीन नर पावत न किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में लेकिन अपने भी तो अच्छे कर्म होना तो मैं फिर कहना चाहता हूं अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को हर बात इंसान हर चीज संसार की पालेगा लेकिन मानसिक चैन नहीं पा सकता तो हर चीज पा करके भी उसे पूरा आराम नहीं आएगा मजा नहीं आएगा घर में पत्नी भी है अच्छे मकान भी है सारा कुछ है इज्जत भी है बैंक बैलेंस भी है लेकिन एक चीज की कमी है दिली शांति नहीं है हालांकि ये सब कुछ लिया था जिंदगी के चार दिन आराम से काटने के लिए लेकिन मर्ज बढ़ता गया जू जू इन पदार्थों को ये बदबख्त इंसान बटोरती है उतने उतने दुखी होते जाते हैं आहा अगर प्राणी पदार्थों के इकट्ठा करने में खुशी होती तो हमारा देश तो बहुत गरीब कर दिया बेवकूफ अंग्रेजों ने बहुत इसे खरीद किया हमारा इतिहास बताता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी आप इसे क्या हड्डियों का मुट्ठा बना कर रख दिया वक्त लगेगा इसको फिर हीरे की चिड़िया बनते बनते मैंने हिंदुस्तान को बोला करते थे कि सोने की चिड़िया आज ये हीरे की चिड़िया बनेगी पर समय लगेगा फिर टाइम आएगा तो आप इन्होंने गरीब बनाया ठीक है चलो विदेश तो अमीर है अमरीका ले लो ये जो बाहरी रूप में भौतिकवाद में लगे हुए हैं बड़े अमीर कंट्री है रूस है बड़ा अमीर कंट्री रिच कंट्री कहलाता है और ले लो बाकी जर्मन दोनों जर्मन ईस्टर्न वेस्ट में बड़े ही मालदार कहलाती है बड़े मालदार है ये सारे कंट्री इंग्लैंड ले लो बड़ा मालदार कहलाता है कुछ दिनों से इसकी हालत डाउन जा रही है तो बड़े अच्छी कहलाती है हाँ लेकिन ये अच्छी कहलाते हुए भी आप लोग और मैं हैरान होंगे क्यों इतनी आत्महत्याएं या सुइसाइडल केसेस बढ़ती चली जा रही है जबकि उनके पास सब कुछ है जहां आत्महत्याएं बढ़ जाए अपने देश में इतनी नहीं आप बढ़ तो नहीं हमारे देश में भी बढ़ने लगी आत्महत्याएं या खुदकशियां लेकिन इसका रिकॉर्ड अमेरिका में है हालांकि अमेरिका सबसे ज्यादा रिच कंट्री है और सबसे आत्महत्याएं वहां है इसे साबित होता है कि उनको मानसिक शांति नहीं है जिस देश में आत्महत्याएं बढ़े जिस देश में रोग बढ़े जिस देश में हॉस्पिटल बढ़े जिस देश में मुकदमे बढ़ो समझिए कि उनके बदबख्ती के दिन आए हुए हैं और वो कंट्री अच्छा नहीं है उस कंट्री का डाउनफॉल है मैंने क्या कहा जिस देश में हॉस्पिटल बढ़ जाए मतलब रोगी बढ़ते जा रही है जिस देश में बढ़ जाए कचहरियां जिस देश में आत्महत्याएं बढ़ जाए हाँ डाकी और ये गंदमंद हो समझिए उस देश के दिन बुरे हैं और वहां रहने वाले किसी काम में बाबर नहीं ये बातें सबसे ज्यादा अमेरिका में फैलती जा रही है आत्महत्याएं का रिकॉर्ड उनका है चैन का रिकॉर्ड कोई बीट नहीं करेगा
तो इसका मतलब उनको दिली शांति नहीं, सब कुछ तो है लेकिन एक शांति नहीं। तो शांति भगवान कैसे मिलेगी? अच्छे गुणों से, जैसे खुशबू हमेशा फूलों से आती है, रूढ़ी से कभी खुशबू आ नहीं सकती, आप एग्री कर जाएंगे मेरे साथ। इसी तरह गुणों से शांति आती है, जो आज हमारे देश के वासी बिल्कुल भूल गए हैं, आजकल मन चले बिल्कुल भूल गए हैं कि जो मैं इरादे विचार और कर्म करता हूं इसका परिणाम क्या होगा, दुख। ऊंट जैसे अपने पेशाब से फिसलता है, मैं अपने गंदे विचारों इरादों से फिसलूंगा और मुझे पानी के नहीं खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भगवान के घर में देर है, अंधेर तो नहीं है। इसलिए महापुरुष कह रही है क्या निचोड़ रूप में जो नेकी हो गायब तो राहत दी जाए। राहत कहते थे दिली शांति, अगर नेकी चली गई अच्छे गुण चले गए तो दिली शांति भी गई। जो नेकी हो गायब तो राहत दी जाए, और मिले दूध जो कर जो बिक जाए गाये। अगर जनाब ने बड़ा अच्छा रिश्ता मन में रख लो और एप्रिशिएट कीजिए, अगर आपने गाय बेच दी हाँ तो दूध कहां से आएगा? गाय से तो दूध आना था ना, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। इसी तरह नेकी सही तो शांति आनी थी ना, नेकी आपने छोड़ ली तो शांति कहां से आएगी? कभी जरा दिल में बोल लिया करे और मन को रवा दिया करे, जो नेकी हो गायब, दिल पे लिख लो, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। अगर जनाब ने गाय बेचती है हाँ तो दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं होगा तो आपका जिस्म या आपका शरीर रिष्ट पुष्ट नहीं होगा। इस तरह नेकी को तो हाथ धो बैठे, नेक तो आप बनना नहीं चाहती, तो शांति आराम चैन पीस ऑफ माइंड कहां से आएंगे, ऐसा सोचा करो। और भी आगे कभी कहता है हाँ 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 हाँ, जो पत्थर ना लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जिस पत्थर को चाहे वो संगमरमर क्यों ना हो, अगर आप अपनी जगह पर लगा नहीं देंगे, मेरी और आपकी जड़े कड़े की ठोकरे खाता रहेगा। खा कर मेरे बच्चे, जो पत्थर ना लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जब तक इंसान नेक नहीं बन जाता, अपने आप को अच्छाई में नहीं लगा देता, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। इधर उधर की ठोकरे खाएगा, इधर उधर की चक्कर काटेगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, गुरुदेव ने मुझे समझाया था क्या, जब तक फुटबॉल गोल में नहीं आ जाता दोनों तरफ की ठोकरे खाएगा। जरा फुटबॉल को सामने रखो, फुटबॉल को सामने रख बेटे, जब तक फुटबॉल गोल में नहीं चला जाता हाँ दोनों तरफ के खिलाड़ियों की ठोकरे खाएगा कि नहीं खाएगा। इस तरह जब तक कि हम गोल, हमारा गोल क्या है भगवान, इंसान का गोल क्या है, माने ज्यादा माने बिशक मेरी कोई बेटी जिद करके ना माने, हमारा गोल क्या है भगवान। जब तक हम भगवान या भगवान के बनाए हुए नेकियों में नहीं चले जाते तो क्या होगा, जड़े करे की ठोकरे खाते रहेंगे। और ठोकर को एक प्रकार की भी पुत्र, शारीरिक ठोकर, मानसिक ठोकर, पारिवारिक ठोकरे और सामाजिक ठोकरे, कार्य ठोकर एक प्रकार की ठोकरे, तो तीन प्रकार की मानी गई है। इसलिए हमारा दूरदर्शिता से काम लेने वाला हिंदू धर्म तीन बार शांति बोलता है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं जो तीन बार शांति कहे, शांत शांत शांति ओम प्रभु। हम तो शांति पाठ में तीन बार शांति बोलते हैं, कहीं तो मजाक करती है, पर इसमें फिलॉसफी बड़ी डीप है। भगवान से ये प्रार्थना की गई है, ऐ अंतर्यामी मेरे इष्टदेव, मुझे शारीरिक शांति दो, पर अगर शरीर की दी तो बात नहीं बनेगी, मुझे मानसिक शांति दो, अगर दोनों प्रकार की शांति देगी तो भी बात नहीं बनेगी, मैं जिस समाज में रहता हूं उस सामाजिक शांति दी दो, नाउ यू विल एंजॉय परफेक्टली हैप्पीनेस। अब आप परफेक्ट हैप्पीनेस लेंगे, अगर शरीर तो हो ठीक और मन ना ठीक हो तो भी शांति अधूरी। अगर मन और शरीर की भी शांति हो जिस समाज में रहती है वहां हल चलो तो भी शांति अधूरी। इसलिए हम तीन शांति कहते हैं, आधि व्याधि और उपाधि, इन तीनों से छुट्टी मिले, आधि से व्याधि से उपाधि से, शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप में हमें शांति दो। तो भगवान जी फरमा गया पूरे, हे दाता मुझे शारीरिक शांति दो, मुझे मानसिक शांति दो और मुझे सामाजिक शांति दो। इसलिए कहा जाता है सबको सबको हासिल हो पर आगे जिंदगी,
सबका रोशन हो चरागे जिंदगी, सबकी खैर आफियत की है दुआ, ऐसे आलम में हो इक्की का भला, मुक्तर आए दर्द गम कोई ना हो, तेरा मेहरबान करम कोई। कितनी दूरदर्शिता से काम लिया गया है, कितने कमाल किया गया है, तो शांति शांति का मतलब तीन बार शांति, शरीर मानसिक सामाजिक फिजिकली मेंटली एंड सोशली, फिजिकली मेंटली एंड सोशली, ओ लॉर्ड कृष्णा वी वांट पीस नाउ परफेक्ट पीस नाउ विल जाय परफेक्ट, ये फिजिकली मेंटली एंड सोशली वी आर ऑल राइट एंड नॉर्मल परिस्थिति इज देयर दैट वी विल एंजॉय परफेक्ट शांति। बहुत सुंदर आगे मेरी बच्ची और मेरी बेटी, इसलिए दूरदर्शिता से काम लेता हुआ उस कोटि का हिंदू धर्म तीन बार बोलता है शांत शांत शांति हो, वरना बाकी सब एक बार कह देंगे। हाँ तीन बार बात तो दुनिया वाले इस बात की गहराई में उतर गई है और आश्चर्य करती है, बहुत दूरदर्शिता से काम लिया गया है, वरना इंसान पूरी शांति पा नहीं सकता। सर आइए मेरी बच्ची अपने मन को समझा ले, उनके अच्छे गुणों के बिना शांति नहीं मिलती। तो इसमें इशारा हो रहा है जो आज पापी है वो समय आएगा कि पापी न रह करके सदाचारी हो जाएगा, कदाचारी दुराचारी हमेशा दुराचारी में बढ़ेगा, वक्त आएगा कि उसका अपना ही जो पाप उसे खा जाएगा। गांधी जी कहा करते थे पापी को मारने के लिए तलवार मत निकालो, पर ऐसा देश मान सकता कहा तो कथित महात्मा ने थे, पापी को मारने के लिए तलवार मत निकालो, गांधी बापू ऐसा क्यों कहते हो, वो जुलम मचा रहा है, शास्त्र भी कहता है कि निफ्टी वाले की बात उसे वही मार दो खत्म कर दो, अगर वो अनेकों का नुकसान करता है उसे बर्बाद कर दो। गांधी कहते गांधी का भाव देखो, पापी को मारने के लिए तलवार मत निकालो, क्यों, क्योंकि पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली है, पापी को मारने के लिए उसका अपना पाप ही महाबली है, उसका अपना पाप उसे रखा जाएगा, क्योंकि दुनिया में नियम है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, कर भला हो भला अंत बुरे का पूरा, पर इसमें बड़ा भारी संतोष चाहिए, इसमें बड़ा भारी सबर चाहिए, जो आज की पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आज की जो पीढ़ी जा रही है, जो जनरेशन जा रही है, ये सबर नहीं कर सकती, ये तो कहती है चट मेरी मंगल पत्र मेरा ब्याह, आज की पीढ़ी का पुत्र ये है नहीं सुना चट मेरी मंगली पत्र मेरा ब्याह, आजकल दो दो महीने मंगनी रखना अपने खानदान को बदनाम करने की बात है, आज तो चट होनी चाहिए मंगनी तो पत्र होना चाहिए ब्याह, यानी अगर इस सोमवार को अगर मेरा वास्तव है और मेरा कहना मानो सोमवार को आप मंगनी कर रहे हैं तो गुरुवार को आपको शादी हो जाना चाहिए, सोमवार को मंगनी और गुरुवार को शादी, जितनी जल्दी आजकल जमाने में करेंगे उतना अच्छा रहेंगे, क्योंकि दोनों घरों में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं और 100 आपके सज्जन और 100 आपके दुश्मन भी हैं, तो कई दुश्मन जाके फटकाएंगे उनको बिना दिया सराय की आग लगाएंगे, वहां तेरे मंगनी कहां कर डाली, तेरे शादी कहां कर डाली, ये कोई धार है, इससे तो कई गुना धार वो अच्छा था फोड़ेंगे। हम तो समझते थे कि रामायण की मंथरा मर गई, पर मंथरा मरती मरती अनेकों में गुजर गई, मरती मरती अनेकों में घुसड़ गई, अनेकों में अंदर चली गई है, मंत्रा मरी नहीं मंत्रा घुसड़ गई है अनेकों के अंदर, अपने को फायदा नहीं फिर भी लूटी लगाते रहेंगे, भाई तुम्हें क्या फायदा है, चलो ना फायदा सही, हाँ कई जलेंगे सड़ेंगे, उनको इसी मजा आता है इधर की उधर उधर की इधर है, चुगल खोर बड़े नंबर वन है चुगल खोर, तो खैर ये जमाना तो चटपट का है ना, चटपट, इसलिए तो हमारे घर में कई ऐसी चीजें बन गई है, चटपट कुकर चटपट फ्रिज, कई दिनों की रोटी और आटा गूंथ के रख दो चटपट, सारी चीजें चटपट काम चाहते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा बच्ची ये बात बिठा लो, तो गंदे आदमी है करते रहेंगे आकर देर या सवेर स्मारक पे लगेंगे धक्के खा के जरीर होके, और भगवान जी ये बता रहे हैं उनके लिए एक इशारा किया, जो पापी है वो हमेशा पाप में रहेगा, अपने पापों से हैरान परेशान होकर भगवान का प्यारा बनेगा, एक इशारा में याद से मिल रहा है, पापियों से दूर रहना चाहिए, पापियों के नजदीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनके संस्कार गंदे हैं, अभी उनके विचार गंदे हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है, उनके नजदीक जाना उनमें रिश्ते करने उनको पड़ोसी भी बनाना उनके साथ उठना बैठना हमारे लिए बाय से शर्म है।
फिर भगवान कहेंगे ये मेरा अनन्य भगत नहीं है, क्योंकि जो अनन्य होता है वो तो उनके पास जाकर बैठता है जो भगवान से प्यारी हो। भगवान का श्लोक आपको याद नहीं है, वो आपस में करती है पुर नूर दिल, मेरे 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 जिक्र से शादो मसरूर दिल। फिर आप इस श्लोक के उल्ट हो जाएंगे, भगवान कहते जो मेरे प्यारे हैं वो आपस में बैठती हैं और मेरा जिक्र करके मेरी बात करके गदगद होती है, खुश होती है, प्रेम की आंसू बहाती है। वो आपस में करती है पुर नूर दिल, मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल। शाद मैंने खुश करना, मसरूर मैंने मुसर्रत में प्रसन्नता में आना। जैसी को ऐसा होने जानी चाहिए बच्चे, जैसी को ऐसा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जाती है जाती से मिलेगी ठीक, वरना भी जाती से मिलेगी तो हमारे से कुत्ते और पक्षी भी अच्छे हैं। उनाद हम जिस बा हम जिस पर बाज, कबूतर बाज कबूतर बाज बाज। देख लो कबूतर कबूतरों के साथ उड़ती हैं, बाज बाजों के साथ उड़ती हैं, चिड़िया चिड़ियों के साथ उड़ती हैं, लालियां लालियों के साथ उड़ती हैं, और कुत्ते आपस में दोस्ती, जिनकी आपस में दोस्ती लगी है वो आपस में बैठते हैं, वरना दूसरी जाति वाले नहीं बैठते। इंग्लिश में आप बोलते हैं बर्ड्स आर द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स आर द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे पर वाले पक्षी हमेशा इकट्ठे उड़ा करती हैं, एक जैसे पर वाले पक्षी। और समाज ने भी देखा कि हमारी भी बेवकूफी है कि हम ऐसों की सोबत में जाती है जिनको भगवान ने प्यारे, जिनको हमारे सत्संग से लाभ नहीं, लाभ नहीं कुछ लेना चाहते, गीता से लाभ नहीं है, भगवान को प्यार से हमें नफरत पर नहीं है, पर हम तो उनसे दूर रहेंगे। हम बच्चियां गाय करती हैं और कहीं हंसती हैं, और बात बिल्कुल ठीक है, पर बिना की बोलना जिन्हें पढ़ी न भगवत गीता, न तो इंसान गीता के उपदेश के बिना कसम मुझे आपकी पूरा इंसान बन नहीं सकता। इंसान की इंसानियत गीता में है, और जब तक गीता के उपदेश को अपने जीवन में निभाएगा, पूरा शक है मुझे अपने कृष्ण की कसम, ये पूरा इंसानियत की चोटी पर हो नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें दावे से कहा करता हूं, जब कभी कोई तो ऐसी सुनहरी शताब्दी आएगी कि इंसान हैवानियत, पुत्र ने क्या बोला, हैवानियत शैतानियत को छोड़कर इंसानियत को चूमेगा, कभी तो वो दिन आएगा कि इंसान अपने कुकर्मों से दुखी होकर के सुकर्मी बनेगा या सदाचारी बनेगा। तो कहा जाता है जब कभी कोई तो ऐसी शादी आने वाली है, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आएगा। इंसान क्योंकि इंसानियत का मंबा है ना, इंसानियत का स्रोत है, रिसोर्स ऑफ इंसानियत ह्यूमैनिटी, रिसोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी गीता। अच्छी समय आएगा भले हम भारत की मिट्टी से उठे हैं और मिट्टी में समा जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ियां इस बात को जरूर पकड़ेंगी कि अगर हमने इंसानियत लेकर सुख पाना है तो फिर गीता की ओर झुकना होगा, भगवान के उपदेश को अपने जीवन का विशेष अभी नहीं अति विशेष अंग बना के छोड़ना होगा। तो आइए भगवान इसमें इशारा कर रहे हैं, एक इशारा किया कि पापी हमेशा पापी रहेगा, सदाचारी बन जाएगा, पापी से दूर रहना चाहिए, नजदीक ही रहना चाहिए, उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर इनके साथ संपर्क करना पड़े तो जितना न्यूनतम या जितना ही मिनिमम हो, क्योंकि समाज में रहती है कि इनके साथ तो मेल मिलाप करना पड़ेगा, पर न्यूनतम मैं क्या कह रहा हूं, कम से कम, न्यूनतम कम से कम उनके साथ व्यवहार कीजिएगा। इसके बाद में भगवान कह रही है हाँ, इंसान पापों से छूट नहीं सकता, इस श्लोक में इशारा है, जब तक कि वो भगवान के ज्ञान को न प्राप्त करे। ये भगवान का दिलेराना ईलान है इस श्लोक में, यहाँ दिलेराना ईलान है हमारे इष्ट देव अवतारी दाता भगवान जी का, कि जब तक इंसान ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा कभी भी वो नहीं छूट सकता पापों से, गुनाहों से। कैसे अजी अजी अजी, जरा भगवान की बात गौर से सुन लो, कोई आदमी गुनाह कर रहा है क्यों कर रहा है, अर्जुन का प्रश्न पे चलो, गुनाह कोई करता नहीं चाहते वो सब कुछ करे जबरो का प्रश्न है अर्जुन का दाता, कोई अपनी खुशी से गुनाह नहीं करता, वो ऐसा मालूम होता है कि कोई उसे मजबूर कर रहा है बाय फोर्स। किस्मत इंसान को सुबह मिल जाती है अज्ञानता की, और अज्ञानता के कारण से वो समझता है कि मेरी खुशी और आराम बाहर है, फला प्राणी में फला पदार्थ में। वो दिन बड़ा गंदा दिन चढ़ा था इंसान की जिंदगी के अंदर, वो बड़ा मनुष्य का दिन था जबकि इंसान
इस जुमरे में आया, चाहते जो भगवान ने कहा जो महसूस अशिया लगाए, जो महसूस अशिया से मन बड़ा गंदा दिखता है इंसान की जिंदगी के अंदर। जबकि भगवान को ये कहना पड़ा विषयाद जो है बारह रूप में जायज विषयाद चिंता जायज विषयाद पुरुषा संगत शुभ जायज। जब इंसान भगवान का चिंतन करने की बजाय भगवान को सुख शांति आराम का कारण मानने की बजाय संसार के प्राणी पदार्थों को मानने लगा, ये इसकी जिंदगी का सबसे गंदा दिन, सबसे काला दिन आया था। ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरी बेटी, सबसे बुरा दिन उसकी जिंदगी में आया और सबसे अच्छा दिन आता है जब कोई समझता है मेरे आराम और मेरे चैन के कारण मेरे इष्टदेव जी है। अपन इंसान की जिंदगी में कब दिन आता है, भगवान जी खुद भी कह गए हैं क्या जन्म पर जन्म लेके जानी जरूरी, कई जन्मों के बाद जीव को इस बात की समझ आएगी कि आनंद का घर भगवान है, आनंद का घर जहान है। और निकी जाई गल दी कहानी बन गई, और निकी जाई गल दी कहानी बन गई, ओ निकी जाई गल दी कहानी बन गई, और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। वाह बाबा, निकी जी गल की कहानी बन गई, कल वाली मुन्नी देखो शादी करा के रानी बन गई। कल गोदी भी मैंने देखी थी, फिर सत्तर में आती हुई देखी, और आज वो रानी बन के आ गई है। बाबा मेरी शादी हो गई, ये मेरे लाइफ कंपेनियन है, ये कंपेनियन है भोथूराम, हाँ ये भोथूराम मेरा लाइफ कंपेनियन है शाला। तो वही बात छोटी सी है मेरे पुत्र, निकी सी बात है, इतनी सी बात है। सोच रहा था मैं महत्ता देनी थी भगवान को, महत्ता दे दीगी जहान को, हाय महत्ता देनी थी भगवान को, हमें इंपॉर्टेंस देनी थी भगवान, जो इंपॉर्टेंस दे भगवान को रे साधु, इसलिए तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ दिली शांति, दिली शांति का घर भगवान है, ऐ नेक बख्त दिली शांति का घर जहान नहीं है। इतनी सी बात है ना मां, इतनी सी है पुत्र, इतनी सी बात है ना मेरी बेटी, कि सुख का घर भगवान है, सुख का घर जहान नहीं है। जहान में जितनी चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, ये शारीरिक सुख तो देंगी, मानसिक सुख भी देंगी। कहना पड़ता है मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ओए राज दुनिया गल्ला हो मैं किने किने दसा, क्या पता है सुनने को भी कौन तैयार है। क्या जितनी ये फैसिलिटियां बड़ा बड़ा पौध पड़ गए हैं, बहुत अच्छे मेरे पुत्र, हम बहुत कमा रहे हैं बहुत अच्छे, बढ़िया मकान बना लिए बहुत अच्छे, हमने कार भी ले ली है बहुत अच्छे, अच्छी पत्नी भी ले ली, अच्छे पत्नी भी ले ली है बहुत अच्छे, सारी हमारी फरमाइशें पूरी करते हैं बहुत अच्छे, ये सब कुछ शारीरिक सुख मिले जिसको कहेंगे फिजिकल फैसिलिटीज, यू अटेन नो डाउट फिजिकल फैसिलिटीज, शारीरिक सुविधाएं, शारीरिक सुख मिल जाएंगी श्रीमान जी, लेकिन मानसिक सुख नहीं मिलेंगे। तो नाती धोती रह गई तो मुंह तो मक्खी बह गई की कहावत लागू हो जाएगी। सब कुछ पा लिया लेकिन अगर दिली शांति न मिली तो दिल दिन क्या बड़ी मुश्किल से गुजरेंगे। आप कहेंगे दिनों को धकेलना पड़ता है, हाँ क्या शांति नहीं मिलती, इसलिए तो श्रीमान को श्रीमती कहती है वर्मा जी, हाँ अंदर बैठी बैठी उगता आ गई, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे स्कूटर के पीछे बिठा लो और कहीं घुमा फिरा करके सिनेमा के अंदर में ले जाओ। मैं आजकल तो यूं नहीं कहती घर में हम उकता दी है, वो आजकल के शब्द बोलती है बोर हो गई है, बोर बोरेंगे घर में बैठते तो मैं बोर हो गई हूँ, हम तो आज बोर हो गए, बोर है बोरिंग क्यों, अगर सब कुछ तो घर के अंदर है, मेरे जैसे में बड़ी घात पड़ती है, मैं रो पड़ता हूँ, सारा कुछ है जनाब, बोर क्यों हुए, क्योंकि मानसिक शांति नहीं है। क्यों अपना घर छोड़ करके सिनेमा में जा रहे हो, सिनेमा तो चाचू का घर है जनाब, क्यों जा रही है, नाउ यू आर फेड अप, सो फॉर द हाउस होल्ड इज कंसर्न, या हाउस होल्ड एटमॉस्फेयर इज कंसर्न, फेड अप, तंग आ गए हम तो, हर एक श्रीमती को सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया साड़ी भी आ गए, घर में तो हम बोर हो गए, बोर बोर हो गए, तंग आ गए। इन चीजों से अखीर में इंसान तंग आएगा, तंग आया नंग होगा। मैं यही कह रहा हूं सारी चीजों से हमें शरीर सुख तो मिल गया, शरीर सुख बढ़िया घर है, बढ़िया खाना है, नौकर चाकर है, कार घूमने के लिए है, लेकिन मानसिक शांति कहां से लोगे, दिली शांति कहां से आएगी, ये नहीं मिल सकती। ये आज का इंसान जिसको हम नाराज इंसान कहते हैं, और भगवान इसे मूर्ख कहते हैं, भगवान नहीं मूर्ख कहती, बाबा एक मेरे जन्म ने कहा था भगवान ही मूर्ख कहते, भगवान ही मूर्ख कहते,
तू बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम बातों के आकिल। भगवान ने कहा गली दाना हो मूर्खा हो एजुकेटेड फूल, एजुकेटेड नो डाउट एजुकेटेड, बिकॉज यू आर नॉट एंजॉयिंग मेंटल हैप्पीनेस यू आर फूल। PHWL नहीं FOWL, वो बाप का फूल नहीं PHWL, वो फूल नहीं बल्कि FWL फूल। शाबाश शाबाश शाबाश, ओ मेरे पुत्र हो पुत्र हो जरा देखिए फूल क्यों एजुकेटेड फूल। वाह भगवान कहते हैं जिसके अंदर शांति नहीं है वो मूर्खता में है, और जिसके अंदर शांति है और लंगोटी बंद है वो महाराजाओं से भी अच्छा है। सारी बात तो शांति की है ना, तो शांति कहां से कभी पूछा करी शांति कहां से मिलेगी। पर यही खपते हैं पढ़ जाऊं मैं कमा लूं मेरी शादी हो जाए मेरे बच्चे हो जाए। इससे क्या होगा, ये सारा कुछ हो जाने के बाद भी क्या हमें दिली शांति मिल जाएगी, कदापि नहीं। तो यह इशारा कर रहे हैं मेरे भगवान कि अविद्या के कारण से जीव बार मुखी जा रहा है। और तो और क्या भगवान की ये शब्द मेरे में बड़ी घात पैदा करते हैं। क्यों क्यों देखिए ना, जिसको सत्संग का प्यार ही नहीं, मेरे साथ कोई श्रद्धा नहीं है, वो कुछ सख्त शब्द बोल भी दे तो कहीं तो छोड़ पड़े, पर अगर आप बोलेंगे तो आपका सहन होना, वो मैं तो कर लूंगा पर कहावत है आपका सहन होना जरा मुश्किल हो जाएगा। क्या 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 ओए ओपरे दे तो पत्थर भी सहन होंगे ना, पर अपने तो फूल भी नहीं सहन होना। रैत के पत्थर भी बर्दाश्त हो जाती है पर अपनों के तो फूल भी बर्दाश्त नहीं होते। इस तरह भगवान ये कहे ये शब्द नहीं बर्दाश्त होते, जो के कहलाती है दया के समुन्दर श्याम सुंदर, वो ये कह के चले गए। क्या जहालत है उर्फा की, तो दुनिया है चक्कर में आई हुई, जैसे कोई लखपति अपने पुत्र के घर में जाके कहे तेरे घर में गुर्बत है छाई हुई, आ उदासी है मुझको आई हुई। ये कौन कह रहा है, लखपति कह रहा है, लखपति बाप कह रहा है तेरे घर में गुर्बत है छाई हुई, इतनी ये उदासी है आई हुई। भाई आप अगर मेरे घर में गुर्बत है, माना पिताजी मैं गरीब हूँ, पर जिसको मैं पिताजी कह रहा हूँ वो तो लखपति है। हाँ 1,00,000 रुपया दे दो, गुर्बत मेरी अभी गई, मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, रुपए को रुपया कमाता है, मनी मेक्स दी मेयर गो, मनी मेक्स दी मेयर गो, रुपए को रुपया कमाता है तो बड़ी अच्छी जाएगा। एक कंजूस को पता लगा, आपको चुटकुला सुनाऊं, बाबा सुना दे। एक कंजूस ने कहीं से मेरी ऐसू ये बात सुनी, रुपए को रुपया कमाता है, तो उसने कहीं से भिक्षा मांग के चांदी के 1 रुपया ले लिया और खजाने के पास चला गया, जो रुपयों का ढेर लगा पड़ा था, उनके चांदी के रुपए होते थे ढेर लगे पड़े खजाने में, तो उसने रुपया अपने हाथ में लिया कि देखो किसी सज्जन पुरुष ने कहा है रुपया को रुपया कमाता है, आ जाओ रुपया अपने हाथ में लेके कहता आ जाओ मेरे पास सारे आ जाओ, रुपये को रुपया कमाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो आते आते पसीना आ गया, पसीना आने से रुपया छूटा और ढेर में चला गया। आप वो दोनों हाथ मार के टांगों पे लगा, ओए ये कहावत गलत है, ये कहावत गलत है, खजांची आया बाहर में, क्या हुआ क्या कहावत गलत है, के बाद मैंने सुना था रुपए को रुपया कमाता है, घंटे से रुपया हाथ में लेके उन रुपयों के साथ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो मेरे हाथ से रुपया निकल के अंदर चला गया, तो ये कैसा हुआ, तो ठीक तो है जहां मेजोरिटी है वही अथॉरिटी है, मेजोरिटी है जहां अथॉरिटी, क्योंकि वो ढेर था ठीक तो नहीं कहा तो ठीक होगी, रुपए को रुपया कमाता निकल गया, रुपए को रुपया कमाता है। तो मैं दर्ज किया चाहता हूँ जैसे मनी सीनियर को रुपए को रुपया कमाता है, अब तो 7,00,000 ही कह रहा है तो दे दे उसको रुपया, तो गुर्बत गई दे दे उसको रुपया। तो भगवान जो कि ज्ञान के घर है कह रही है गुरु ज्ञान अविद्या छाई हुई जहालत है उर्फा पे, तो दुनिया है चक्कर में दे दे ज्ञान भगवान कर लो, मैं तो इस तरह ज्ञान नहीं देता प्रभु, क्यों नहीं देते, मैं तो उनको देता हूँ जो पूर्व पे मेरे लिए लगती है, मैं देता हूँ उनको वो दानिश का हो जाती है मुझसे। भगवान जाने भगवान का काम जाने, मेरी तो अकल में आया नहीं, मेरे सजनों समझाने के लिए भगवान ने भेजा है, मैं समझा रहा हूँ पर भगवान से मैं बड़ा गिड़गिड़ा के कहा करता हूँ आप सबके लिए, क्योंकि जब आप ज्ञान के घर आए तो क्यों नहीं ज्ञान देते, ना मैं तो ज्ञान उनको देता हूँ जो मेरे अधिकारी है, तो अधिकारी तब बनेगी जब ज्ञान दे दो अधिकारी बन जाएंगे। भगवान को मैंने हंसाया भी है पर भगवान मेरी मानते नहीं, भगवान को मैंने कहा था प्रभु आपने जो मुझे पढ़ाई पढ़ाई थी ना उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी है, भगवान पूछते हैं क्या,
एक थी लैला एक थे मजनू, हाँ इनका आपस में शारीरिक प्यार बड़ा जबरदस्त हो गया, इतना प्यार हो गया कि आपस में वियोग भी दोनों का सहन नहीं होता। वो लड़की की चोली भी थी, उस बिचारी का कुछ वर्ष नहीं चलता था, माँ बाप और रिश्तेदार उस पर हावी थे। इस बिचारे ने बड़ी कोशिश की किसी तरह वियोग जाए और संयोग सदा के लिए हो जाए, जितनी कोशिश की उतनी सब बेकार। तो इतना हुआ कि इसकी बुद्धि पर बड़ा असर पड़ा और ये पागल बन गया। पागल के लिए दुनिया उसको मजनू मजनू कहने लगी, यानी असल नाम तो इसका कैश था। कैश तो दुनिया ने मजनू पुकारना शुरू कर दिया। अब वो भी बाप की इकलौती बेटी थी और ये भी अपने बाप का इकलौता पुत्र था। अब बाप से नहीं देखा गया कि मेरा पुत्र पागल हो गया, हाय लैला करके पुकारता रहता है। एक दिन वो अपनी शर्म को छोड़कर और अपनी जमीर को पड़े पटक के लैला के बाप के पास चला गया। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ दाता, फिर क्या हुआ? उसने जाके पल्ला बिछा दिया लैला के बाप के, लैला के अब्बा के सामने, और कहने लगा सच बता तुझे अल्लाह की कसम, तेरे और मेरे घर का मैयार एक जैसा नहीं है। मैयार कहते हैं स्टैंडर्ड, मैयार कहते हैं स्तर को। जितने तुम अमीर है क्या उतना अमीर नहीं है, जितने तुम शरीफ हो क्या उतने शरीफ नहीं है, क्या हमारा खानदान बराबर का नहीं है? क्यों नहीं? अल्लाह पाके अल्लाह की कसम के तुम्हारा घर और हमारे घर में आपस में कोई फर्क नहीं है, हम बराबर के स्टैंडर्ड के हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब कोई शक नहीं तो क्या लैला और बच्चू तेरी हमारे इकट्ठे नहीं पड़े? हाँ जरूर पड़े, तो इनका आपस में प्यार तुझे पता नहीं है? मैं जानता हूँ इनका आपस में बहुत प्यार है। तो फिर क्या इनका निगाह या शादी नहीं आपस में हो सकती? हो सकती है, पर तू बता क्या लैला मेरी लख्त जिगर नहीं और क्या मजनू मेरा मंजूर नजर नहीं? लख्त जिगर और मंजूर नजर, मैं मानता हूँ लैला तेरी लख्त जिगर है और मजनू मेरा मंजूर नजर है, तो फिर पर मैं एक पागल को अपनी लख्त जिगर दे दू? अरे मजनू के अब्बा तू ही सोच, ये कहां की दानाई है? क्या कहा? मजनू तू कैश मेरे पुत्र को मजनू कह रहा है और ये नहीं जानता कि मजनू किस लिए हुआ? तेरी लैला की जुदाई के कारण से मजनू हुआ? क्या जन्म से मजनू था? क्या मां के पेट से मजनू था? या बाहर खेलते हुए मजनू तेरे घर में आया जाया नहीं करता था? क्या तू उसे मीठी मीठी चीजें नहीं देता था? क्या वो तुझे बात बात में अब्बा जी चाचा जान नहीं कहा करता था, कहता था? क्या वो उस वक्त अच्छा नहीं था? अच्छा था। तो लैला की जुदाई में पागल हुआ ना? हाँ, तो फिर तुम जाकर इसको ठीक करो, डॉक्टर का इलाज करो। डॉक्टर का इलाज ही यही है, तुम इसे लैला दो और मेरा मजनू ठीक है, पर नहीं तुम इसे इलाज कराओ, मैं लैला दिल को तैयार हूँ। अखीर में मस्तर पे मारा हाथ और रो करके लैला मजनू का बाप बाहर निकला। लैला तूने देनी नहीं मजनू का दीवानगी जानी, लैला तूने देनी नहीं और मजनू की दीवानगी जानी नहीं, रो के आ गया। क्योंकि मजनू की दीवानगी का इलाज क्या है पुत्र? लैला की प्राप्ति। लैला को कहता वो तुम पहले इसका दीवानगी दूर करो, फिर मैं लैला दूंगा। हम मैं क्या करूं, भगवान को क्या कहूं? भगवान ने ज्ञान देना नहीं और हमने रोए पिटे बिना रहना। मैं कहता हूं दाता इनको ज्ञान दे दो, छुट्टी करो, अगर मेरे जैसे मर रही है और कई हिंदुस्तान में कर रहे, कहीं को मारा जा रहा है, कहीं गोलियां उड़ाई जा रही है, मेरे जैसे कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं को जेलों में डाल रहा है, कहीं को छठ पर किए जा रहे हैं, इतना तो तेरे भक्तों का हाल हो रहा है, आप उनको सुमति दे दो, बात ही खत्म हो गई। भगत ना मैं तो उनको दूंगा जो मेरे लिए तरगत करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे, रसवा ध्याय मैं देता हूँ उनको, उन पर जोर दिया भगवान ने, मैं देता हूँ उनको दानिश का योग कि हो जाती है मुझसे हासिल और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ ना। पर पिता को तो मैंने आपकी ओर से बहुत गिर गिरा के बात कही है, मुस्कुरा भी देती है सोनी सरकार, लेकिन मुस्कुराती हुई परनाला ओथे दा ओथे सरकार, परनाला नहीं बदलते था, सिद्धांत नहीं बदलते, बात वही के नहीं रह जाती है दोस्तों में की गा। अभी भगवान का अवतारी दिवस आ रहा है, मैं फिर गिर गिरा के कहूंगा शायद वो मान जाए, और कुछ नहीं करना, सुमति दे दे। उसके बाद इंसान देखो फरिश्ता और मुझे आपकी कसम ऊपर के देवता आप इन फरिश्तों को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, पर कमाल कर देंगे रे भगवान सुमति दे। अगर मेरी बेटी आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर में पहचान की बुद्धि दे दे क्या उचित है क्या उचित है, तो फिर आप क्या रहेगी अनुचित सारी बातें निकल जाएंगी। हाँ तो बाकी क्या रहेगी, देवी भगवती आप में सीता, आप में सवित्री, आप में कुशल्या फिर प्रकट हो जाएगी, आप में ही गार्गी, आप में ही करनाती भाई और आप में ही मीरा भाई फिर प्रकट हो जाएगी। सब की सब जैसे बरसात आती है तो खुम्भे निकल आती है, कुंभ सफेद सफेद खुम्भे बीच में निकल आती है, मैं खुम्भ कह रहा हूं पुत्र, एक और भी छतरी वाला निकालते हैं, बड़ा गंदा नाम है, वो नहीं लेना चाहता, आप वो पग दे रहे
आजकल दुनिया में पाल भेड़े निकले पड़े हैं, खुम्बे नहीं निकली। अब खुब चोरी निकली, अब मेरा रब जाने, काश अगर रब की मेहर हो जाए फिर ये सारी खुम्बे निकल आए, पाल भेड़े निकले। वो जो गंदे बंदे टोपी वाले निकलते हैं पाल भेड़े, वो ना निकले और खुम्बे निकल आए। कब? जब मेरे मालिक मेरे दयालु अवतारी दाता सबको सुमति प्रदान करते। मैं तो गिर गिरा के फिर भी प्रार्थना करूंगा आपके हाथ में, ओ मेरी माता और बेटियों आपके हाथ में मैं रोम रोम से प्रार्थना करूंगा भगवान सुमति दे दे। वरना भगवान कह रहे हैं ज्ञान के बिना इंसान का गुनाह नहीं जा सकता। जब तक इंसान के पास गुनाह ज्ञान नहीं आएगा, तो भगवान क्या जहालत और पापे तो दुनिया है चक्कर में आ रही। जब तक भगवान अपनी, जैसे मैंने कहा था, जब तक लैला का बाप लैला का हाथ मजनू के हाथ में ना देगा, तब तक ना लैला को चैन मिलेगा ना मजनू को आराम मिलेगा। इन दोनों की दीवानगी का इलाज यही है कि दोनों का संयोग करा दिया जाए। इसी तरह इंसान की दुख तकलीफ चिंता फटकन का एक ही इलाज है कि इंसान को ज्ञानवान बना देगा। बस इंसान ज्ञानवान बना और ये सारी जितनी भी गड़बड़ है सब खत्म। चोर चक्के चमगादड़ उल्लू, इनका एक ही इलाज है रोशनी रोशनी रोशनी। जहां चोर हो चक्के हो चमगादड़ हो उल्लू हो, वहां मतलब ये अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा, उसका इलाज रोशनी है रोशनी है रोशनी है। या पाप हो दुराचारी हो लंपट हो कमीनी हो गंदी गंदी वृत्तियां हो, उसका एक ही इलाज है ज्ञान हो ज्ञान हो ज्ञान। उन्हें ज्ञानवान बना दो, ये सब कमजोरियां ये सब नादानियां सदा के लिए काफूर हो जाएंगी। काश मेरा सोना रब मेरा दयालु रब हाँ मेरी हार्दिक प्रार्थना सुन ले और आपको ज्ञान बना। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं वो जो पापी है या तू गुनाहगार है, वो गुनाहगार बंदों का सरदार है। भले तू पापियों का भी सरदार हो, पापियों में भी पेश पेश चलने वाला हो, पापियों का भी लीडर हो, पापियों के भी दुराचार डाकू और चोरों के भी लीडर होते हैं पुत्र, उनके भी मुखिया होती है। जब कोई पकड़े जाती है तो बताती है हम तो 12 है जी, नंगा करके जब उनको बुरी तरह मारती है। आजकल कई चीजें बन गई जो इंसान को उसके अंदर डाल के उधर से घुमाती है और बीच में आता है, वो चीखें निकलती है उसकी, फिर वो बकता है तुम्हारे मैं बताता हूँ। फिर बताता है फलाना हमारा हेड है और फलानी जगह हम रहती हैं। फिर वो पुलिस वाले अपनी गाड़ियां तैयार करते हैं, पुत्र अगर वहां ना मिला तो तेरे घर मडिया तोड़े। नहीं महाराज, रात को 11:30 बजे वो पहुंचती है वहां जगह, गए सारे पकड़े गए सब पकड़े गए। जैसे वो बकता है हाँ सारे पकड़े जाती है एक नहीं सारे के सारे। तो भगवान कहते हैं वो जो पापियों का सरदार पकड़ा गया सारे पकड़े गए। फौज में अगर ब्रिगेडियर मारा जाए तो क्या हरा झंडा खड़ा कर देते हैं सरदार। हरे झंडे का मतलब है कि बस सरेंडर कर दे, हमने सरेंडर कर दिया, हमें मारो नहीं बल्कि अपनी गिरफ्त में ले लो। इसी तरह मेरे बच्चे अगर पापियों का सरदार मारा जाए तो सारे पापी गिरफ्त में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाएंगे। तो भगवान जहां तक कह रही है तू गुनाहगार है गुनाहगार बंदू का सरदार है, फिर ज्ञान नहीं आते हो जा सवार। ये भी तो कभी रोएंगे ना, कभी चिल्लाएंगे, कभी हाहाकार मचाएंगे और कहेंगे कि बस दादा बख्शते, कभी तो होगा। हर चीज का अंत होता है, हर बात का अंत होता है। इश्क का हाथ से बढ़ना रवा होना और मर्ज का हाथ से बढ़ना दवा होना, आखिर इनकी भी तो कोई दवा होगा, हर बात की कोई कोई उपचार होता है। तो ये भी जो कभी रोएंगे क्यों नहीं रोएंगे, आखिर गुनाह कब तक, आखिर गंदे कर्म का इनका परिणाम गंदा होगा। मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो, जब इनका प्रोजेक्शन मंदा होना है रोएंगे पिटेंगे चलाएंगे, आखिर बदले बिना रहेंगे नहीं। जब बदले बिना रहेंगे नहीं तो फिर जिंदा कोई ना उन्दे रब जी, ये शुरू से बात आ रही है। ओए जिंदा कोई ना उन्दे रब जी, पहले तो दातिया में कदी भी नहीं आई थी जब वो एक्सीडेंट में मारे गए, और मेरे भाइयों ने भी मेरी कदर न की, भरजाइयों ने भी मुझे पैरों और हाथों के अंगूठे दिखाए, और दाता मैनु कोई नहीं सिवाय तेरे, ओ मैनु बख्श दे दाता और मैं किधर जावा। ऐसों के मुंह से सुना करो जब वो आके रोके बोला करती है, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, उन सुनता मेरी कौन गए किसे सुनाऊं मैं।
करता हूं मैं। जब दुख पड़ती है, मुसीबत आती है, तो परमात्मा की सेवा फिर और कोई याद ही नहीं आता। मुसीबत और दुख में जब कोई साथ नहीं देता, ये दो साथ दिया करती हैं, या मां या भगवान। क्या भक्ति में कब कोई किसी का साथ देता है? पुत्र ओ मेरी पढ़ी लिखी, ओ सियाणी, ओ बेटी, क्या भक्ति ये जब बुरे दिन आए हैं, क्या भक्ति में कब कोई किसी का साथ देता है? कि तारीकी में छाया भी जुदा इंसान से रहता है, अपना छाया भी तारीकी में छिप जाता है, अपने खून के रिश्ते भी सरकार ए सरकार एक दो तीन चार हो मेरी सोनी और मेरी भोली सरकार। कितने बुरा हाल जाता है, सारे दुश्मन बन जाते हैं। बुरे दिन आते हैं तो कहावत मशहूर है, जिनके लगन पीछे चार कढ़ल शहर बाहर, अगर दो दिन पीछे लग जाए तो शहर से बाहर निकाल देती है। आखिर में फिर इनको परमात्मा की याद आती है, अपने गुनाह इनको सामने आती है, फिर चिल्लाती और रोती है। बड़ी बुरी जब बढ़ापे में जब कुछ पल्ले नहीं रहता तब रब याद आता है, जब सारे मर जाती हैं तब रब याद आता है, फिर अपने गुनाह एक एक करके सिनेमा की रील की तरह यकेबाद दीगरे आने लग जाती है, तब ये कहती हैं और मेरे दाते अब बख्श, मेरे बड़े गुनाह किए, मैंने बहुत चीजें भगवान के, फिर ठीक है अगर तू रियलाइज करना है, ज्ञान नहीं आप हो जाए सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। हर एक की जिंदगी में आता है, गालिब ने कहा है, आई जाता है जिंदगी में वो वक्त, और मिर्जा गालिब मेरी भी सलाम ले ले, आई जाता है जिंदगी में वो वक्त, क्या वक्त आ जाता है, अरे आई जाता है जिंदगी में वो वक्त, करना पड़ता है सबको अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आ जाता है जिंदगी में वो वक्त, करना पड़ता है सबको अल्लाह अल्लाह, आ जाता है ना जिंदगी में सबको रब रब करना पड़ता है, जबकि चारों ओर अंधकार नजर आए, जब चारों ओर अंधेरा हो, आहा और खुशी का दूर किनारा हो और कोई न खेवन हारा हो, तब तू ही बेड़ा पार करे, जय 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 कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे। जब चारों ओर अंधेरा हो और कोई न खेवन हार हो और शांति का दूर किनारा हो, तब तू ही बेड़ा पार करे, फिर तो सिवाय रब के और कोई नहीं याद आता। तो उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, अगर तू अपना कल्याण चाहता है, हाँ ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से। बधाई देता हूं आप सबको कि आप ज्ञान नैया पे सवार हैं और ये बात सुन रही हैं। उनके लिए मानो एक समुंदर है, आप जहाज में सवार है और एक व्यक्ति उसमें डूब रहा है, और जब किस जहाज वाले कहता है और आगे मैं तुझे पकड़ लूंगा, फिर और आगे आ, तुझे डूबने नहीं दूंगा, लेकिन आप खुशकिस्मत है, कहते हैं शुक्र है कि हम तो समुद्र में डूबे नहीं बल्कि उसमें सवार थे। डूबने वाले को मेरे भगवान कह रहे हैं, आजा तू भी ज्ञान नैया पे आजा, चढ़ जा वरना तू डूब मरेगा, और आप जबकि पहले सवार है तो ज्ञान नैया पे हो जाए सवार। बधाई देता हूं बेटियों कि आप संसार में डूबी नहीं है, आपके पास हर रोग की रामबाण दवा है, आप जहाज पे सवार है जबकि वो डूबर हार है। भगवान कह रहे तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर दूंगा, हाँ मैं तेरा खेवन हार बनके तुझे परले पार पहुंचा दूंगा। जब जब भी कोई इंसान तरा संसार से परले पार गया, आवागम से मुक्त हो गया, कसम मुझे आप पर धर्म भूमि भारत की, वो भगवान का प्यारा बना, चोटी का ज्ञान लिया, भगवान की जात में समा के ऐसा हुआ, वरना कदापि कदापि कदापि। इसलिए भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है, उसे तरके लज्जत की लज्जत मिले किसको, जिसे दीजे पारी की दौलत मिले। उधर आइए पहली पाशाह चिल्ला के कह रही है, अगर कोई मन में बसा ले तो लिखिया सच्चे बादशाह, मालिक जन्म जन्म दी कट, उससे पहले कोई लाख झक मार ले मर जाए सौरा, कभी भी दुखों तकलीफों चिंताओं से खलासी ना पाए। गीताधारी भगवान